इजराइल ने गुरुवार 26 सितंबर को दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत हो गई। इजरायली अधिकारियों ने सरूर की मौत की पुष्टि की और दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यकाल ने गुरुवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है। इसमें कहा गया है कि सीज फायर की रिपोर्ट्स गलत हैं। सीज फायर पर नेतन्याहू के इनकार के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इसराइल के साथ बातचीत की थी, तब उन्होंने इसके लिए सहमति भी जताई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा कि बुधवार को इसराइली पक्ष की सहमति के बाद ही 21 दिन के सीज फायर प्रस्ताव का ऐलान किया गया था। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने यूएन में इसे लेकर संयुक्त बयान भी जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इसराइल ने इससे इनकार कर दिया।